हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम दूध की मलाई से निकालेंगे देसी घी। इधर देखिए, एक कटोरी मलाई और थोड़ा मलाई दूसरे कटोरी में है। इधर हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, उसमें हम सारा मलाई निकाल देंगे। फ्रिज में रखे थे, देखिए कितना जम गया है। आप थोड़ा थोड़ा जैसे दूध उबाल लें तो जो मलाई रहता है थोड़ा थोड़ा कटोरी में निकालते जाएँ तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। फिर आप इससे शुद्ध देसी घी निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना जम गया है, ये पूरा हम निकाल लेंगे एक कढ़ाई में। पूरा देखिए, पूरी मलाई हमने कढ़ाई में निकाल दिया है, देख सकते हैं आप। अब इसको ऐसे हम देखिए, गैस की आंच हमने धीमी कर दिया है, इसको चलाते हुए मेल्ट होने देना है मलाई को। शुद्ध देसी घी निकलेगा। ये देखिए 5-10 मिनट बाद हम आपको दिखा रहे हैं, मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हम एक बार चला देंगे। इसको चलाते हुए ही आपको धीमी आंच पर पकाना है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं 5 मिनट बाद, ये देखिए कितना मेल्ट हो चुका है मलाई। देखिए घी ऊपर आ चुका है, ये देख सकते हैं आप, मलाई इकट्ठा हो रहा है। ये देखिए, गैस की फ्लेम धीमी आंच ही है, तेज़ आंच पर नहीं करना है आपको, धीमा ही होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप कितना देसी घी निकल चुका है मलाई से। इसे चलाते हुए ही आपको निकाल लेना है। देखिए जितना घी निकल चुका है तो हम उसे एक कटोरी में छन्नी से छान लेंगे। ठीक है, अब छान लेंगे हम। जब मलाई हल्का ब्राउन हो जाए, देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा वाइट पर आपको नहीं निकालना है, क्योंकि हल्का ब्राउन होने पर ही ये सारा घी देखिए ऊपर आ चुका है। देखिए कितना सारा घी निकल रहा है। ऐसे ही सभी को छान लेंगे हम। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं शुद्ध देसी घी दूध की मलाई से निकालें। गैस की फ्लेम धीमी ही रहे और आप इसको ऐसे कटोरी में छान लें। पूरा एक कटोरी निकल चुका है, आप देख सकते हैं। और जितनी मलाई हमको उसको फिर कढ़ाई में डाल देंगे, एक मिनट तक उसको भी ऐसे ही चलाते हुए पका लेंगे। एक हल्का ब्राउन और हो चुका है ये, अब इसे हम छान लेंगे। अब इससे ज़्यादा नहीं हो, देखिए ऐसे छान लेंगे हम उसको भी छन्नी से दबाते हुए चम्मच से। ये देखिए सभी को हमने अच्छे से छान लिया, ये देख सकते हैं आप। सारा एक कटोरी हमारा देसी घी निकला है और इतना जो मलाई था, देखिए इतना ये निकल चुका है। इससे हमारा एक कटोरी देसी घी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास वैसे ही दूध की मलाई है, इकट्ठा करके आप निकालना चाहते हैं तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं शुद्ध देसी घी। ये 250 ग्राम के करीब होगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।